पॉपुलेशन का जिस प्रकार से योगी सरकार की तरफ अपनी बात रख रहे हैं, तो कितना बड़ा मुद्दा है। मैं जितने 6-7 पॉइंट को उठाया हूँ, जी टीवी को चाहिए या तमाम आप चैनल्स को, कि मुझे झूठा साबित करें आप। चलिए सर, आपको क्या लगता है कि ये विकास के मुद्दे और ये दलितों का, मुसलमानों का बोल के आप उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करेंगे? इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपने कह दिया, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन सब चीजों से आप तो गेन करेंगे, आप पहली बार जा रहे हैं। पहली बार कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? हमने 5 साल पहले चुनाव लड़े थे, उसके अभी 2 महीने पहले हमने जिला परिषद में हमारे अच्छे खासे कैंडिडेट जीते हैं, बहुत से जगहों पर हमने सेकंड पोजीशन पर आए, हमारा संगठन बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है पहले के बनिस्बत। अरे भाई, आप भी पंडित, वो भी पंडित, आप भी पंडित, वो भी पंडित, हम तो गरीब मुसलमान है। अब पंडित डिसाइड करेगा मुसलमान जीतेगा नहीं जीतेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। उत्तर प्रदेश सरकार में जहां पर दलित है, जहां पर मुसलमान है, जहां पर ओबीसी है, अरे आप यकीनन आप बहुत बड़े हैं, मैं जानता हूं, मगर हम भी तो छोटे नहीं है। पर क्या यूपी में एमआईएम आपका खुद का प्रेजेंस बना पाएगी इलेक्शंस में आने वाली? अरे माशाल्लाह से जब लैला जाती है तो पूरे मजनू आप तरह के पीछे आते हैं ना हमारे, इसीलिए तो प्रेजेंस है बोल के आते ना आप तो हर एक के पीछे नहीं जाते ना, कुछ होगा तो जाते ना। आईसीएमआर का एक स्टडी है जिसमें कोविड केसेस बहुत ज्यादा बताए गए हैं, पर यूपी, आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन प्रिटेक्ट इन सेकेंड वेव ऑफ कोविड, तो उस पर नहीं। मैंने तो आईसीएमआर डेटा का हवाला देते हुए कहा है कि सीरो सर्वेलेंस उत्तर प्रदेश में 71.0 है, और आप बता रहे हैं